एक तरफ भारी बहुमत में मोदी सरकार को देश सरकार बनाने का जनादेश मिला है, तो वहीं बलिया के सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार सनातन पांडे ने सीधे तौर पर जिलाधिकारी को दोषी ठहराया है। श्री पांडे ने प्रेस के मुखातिब होते हुए कहा कि 19 मई को चुनाव के दिन से ही मुझे हराने की योजना बना रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने गुंडों द्वारा व्यापक रूप से बूथ कैप्चरिंग किया गया। कहा कि विशेष रूप से बेरिया विधायक विधानसभा से अनेक बूथों पर कैप्चरिंग की गई है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा मतगणना के दौरान और किन बातों को लेकर अपना कुछ? पूरे मतगणना में सुनिए, कलेक्टर जो है सीधे सीधे साधन पांडे से चुनाव लड़ रहा है। जो आयोग के नियम है कि हर चक्र का जो है घोषित परिणाम घोषित किए जाएंगे, वोटों की गिनती घोषित की जाएगी, वह जो है पहले ही चरण के बाद उसने रोक दिया। मनमाने तरीके से 2-3 घंटे बाद जो है कभी जो सब मिला कर एक बार घोषित कर दे रहे हैं। और यहाँ तक कि आरोप टेबल पर बैठ करके स्वयं वोटों की हेरा फेरी कर रहे थे। हमारे वोटों को उनके ऊपर चढ़ा जा रहा था, उससे भी नहीं सफल हो पाए। जो सबसे पहले काउंटिंग हो जानी चाहिए, जो आयोग का नियम है तो बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले हो जानी चाहिए। 8 बजे का बक्सा खुला, 4 बजे तक एक भी बात बताने को तैयार नहीं हुए वोटों की स्थिति क्या है। अंत में आते आते जब काउंटिंग समय चल रहा था, कह रहे हैं सीधे जो है वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने आपसे भी कहा इस बात को, तो अब जबकि आपके लिहाज से जनता ने आपको जिता दिया लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सिस्टम ने आपको हरा दिया, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? सबसे तो पहले मैं जनता को जो है बार बार प्रणाम करता हूँ और इस चुनाव में उनके दिए सहयोग के लिए मैं पूर्ण प्रशंसा करता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत हम बैठने वाले नहीं हैं, हम और आगे बढ़े अपने जो है नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद इस पर आगे का कदम उठाया जाएगा। और जनता के जो हमारे मतदाता हैं उनको मैं सुख दुख में शामिल रहने का मैं संकल्प लेता हूँ। बिल्कुल, मैं तो कल ही चाह रहा था, आप लोग थोड़ा पीछे हो गए थे मीडिया के लोगों, जब मैं मुझ पर जो गाली गुत्ता झापड़ और वो ढेले बरसाए जा रहे थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे, उस समय भी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।